हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको डेली जो क्लासेस होती है उसकी जो है पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो तो लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, जो कि स्टार लगा लीजिएगा, कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक कौन है? कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए। पहला का राइट आंसर क्या होगा? तो पेट्रोलियम का सबसे जो बड़ा आयातक है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को, भूटान को, नॉर्वे को, इटली को, किसे कहा जाता है? सब लोग जवाब दीजिए। तो देखिए, अर्धरात्रि के सूर्य का देश जो कहा जाता है वो कहा जाता है नॉर्वे को। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कॉमेंट बॉक्स में छाप दीजिए सभी लोग। तो सोना का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सिलिकॉन घाटी स्थित है, सिलिकॉन घाटी स्थित है कहाँ पे? सभी लोग जवाब दीजिए, सिलिकॉन घाटी कहाँ पे स्थित है? तो सभी लोग जवाब दीजिए, सिलिकॉन घाटी कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे केवल सिलिकॉन घाटी पूछा जा रहा है, तो कैलिफोर्निया में है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर भारत की सिलिकॉन वैली पूछे, यानी कि भारत की सिलिकॉन घाटी पूछे, तो वो जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में, ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कितना भाग वनों से घिरा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो सभी लोग जवाब दीजिए, पृथ्वी का कितना भाग वनों से घिरा हुआ है? तो 40% 40% जो है घिरा हुआ है वनों से। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? सभी लोग जवाब दीजिए, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो ये जो फ्रांस का जो है प्रमुख औद्योगिक नगर है नैन्सी, ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर दूरी लगभग बराबर होती है किसके बराबर? कितने किलोमीटर के बराबर होती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है 111 किलोमीटर के बराबर होती है लगभग, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिए, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? 8 का राइट आंसर। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, इसमें स्टार जरूर लगा लीजिएगा आप लोग। तो जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वुडापेस्ट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सभी लोग जवाब दीजिए, वुडापेस्ट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये जो है हंगरी की राजधानी है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैपिटल से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह कहाँ है? सभी लोग जवाब दीजिए, शारजाह कहाँ है? तो ये है यूएई में। कहाँ पे? यूएई में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर अभी तक आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को नहीं लिए हैं तो क्रैश कोर्स ले सकते हैं आप लोग, और भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड रीजनिंग के, हिंदी लैंग्वेज के एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के, यानी कि आर्ट साइड के, इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मात्र 149 रुपये में आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए गए हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहीं क्वेश्चंस को जो है इसमें लगाया गया है। अगर आपको बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर आप लोग मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, जाके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से? किस पर्वतमाला से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इसमें।
सब लोग जवाब दीजिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कैलाश पर्वत माला से। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और भी नदियां हैं जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज नदी हो गया, इनका जो है उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, क्रिकेट के पिच की चौड़ाई होती है, क्रिकेट के पिच की चौड़ाई कितनी होती है? 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो 1.52 मीटर होती है क्रिकेट के पिच की चौड़ाई होती है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है स्टेफी डिसूजा। कौन है? स्टेफी डिसूजा। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है? अभी परसों ही ये क्वेश्चंस करवाया हूँ, अब मैं जो जो टॉपिक जो है करवा रहा हूँ उसे आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लिया करें, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है? तो वो दिन है आपका 29 अगस्त, क्योंकि इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद का जो है जन्मदिवस था। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो वो टूर्नामेंट है आपका डूरंड कप। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। न्यूटन सेकंड क्या है? न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है संवेग का। किसका? संवेग का। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारी जल का अणुभार होता है कितना? सभी लोग जवाब दीजिए, भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अणुभार होता है वो होता है 20। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी अच्छे अच्छे ऐसे ही टेस्ट के वीडियोज टॉपिक वाइज की क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूं। डीजल इंजन में ज्वलन किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ज्वलन किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है? तो ये जो है संपीड़न से उत्पन्न किया जाता है। किससे? संपीड़न से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रकाश की प्रकृति कौन है? प्रकाश की प्रकृति कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रकाश की प्रकृति कौन है? तो प्रकाश की प्रकृति है एक्स किरणें। क्या है? एक्स किरणें। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग कितना भाग रेगिस्तान है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो सभी लोग जवाब दीजिए, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग कितना भाग रेगिस्तान है? तो कितना जो है भाग रेगिस्तान है? पांचवा भाग। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आप लोग, कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको किसको? कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको किसको? सभी लोग 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो कोंकण रेलवे रोहा और मंगलौर को जो है जोड़ती है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? सभी लोग जवाब दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो वो जो यूनानी राजदूत था वो था मेग स्थनिच। कौन था? मेग स्थनिच। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? उनका नाम बता सकते हैं आप लोग? तो वो थे डिजराइली। कौन थे? डिजराइली। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने शाइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? क्या कारण था कि शाइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किए थे भारत के राष्ट्रपति नेताओं ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो है कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसी की वजह से भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने जो है शाइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किए थे। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था
किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने दिया था, तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पाकिस्तान के नव नियुक्त प्रधानमंत्री कौन है, वो है इमरान खान, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। अगर पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे, तो डॉक्टर सचिनानंद झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, जे बी कृपलानी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त हो सकते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो 65 वर्ष और 62 वर्ष जो है हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के 62 वर्ष की, ठीक है। विवादित पुस्तक ओपन सीक्रेट्स इंडिया इंटेलिजेंस अनविल्ड किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक लिखी गई थी मलय कृष्णधर के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बसाया था, कौन सा नगर है जिसको जो है फिरोज तुगलक ने बसाया था, 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो फिरोजपुर नगर है, इसको जो है फिरोज तुगलक ने बसाया था। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दीन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसमें। तो इसकी स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था कैनिंग के द्वारा, किसके, कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुगल काल के दौरान मनसबदार थे क्या, मुगल काल के दौरान जो है मनसबदार क्या थे, 34 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो मुगल काल के दौरान जो मनसबदार थे वो क्या थे, राज पदाधिकारी थे। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, 35 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1931 में किसके साथ महात्मा गांधी ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, सन 1931 में किसके साथ महात्मा गांधी ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, किसके साथ ये जो किया गया था, लॉर्ड इरविन के साथ। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिख सकते हैं आप लोग। भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, ये जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय रेल के बारे में आपको मैं बताया ही हूँ कई बार, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता भी हो तो, ठीक है। प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था लाहौर में, कहाँ पे, लाहौर में पारित हुआ था प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, 39 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। स्टार्टिंग से आप लोग जो है स्कूलिंग से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वास्को डी गामा किस देश का जो है निवासी था, तो ये जो है पुर्तगाल का था, कहाँ का, पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और ये 1498 में भारत आया था कालीकट नामक स्थान पर केरल में। अगला प्रश्न, कामा गाटा मारू क्या है, 40 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि अब जान लेते हैं कि कामा गाटा मारू क्या था। तो ये जो है भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था, ठीक है, पता हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, सब लोग जवाब दीजिए, मनुष्य के कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206, ठीक है। अगर बच्चों में पूछ लिया जाता है तो 300 याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण से होने वाले रोग की पहचान कीजिए, जल प्रदूषण से होने वाले रोग की पहचान कीजिए, सभी लोग 42 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
तो दस्त और पेचिस ये जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भारत का रॉकेट छोड़ने वाला केंद्र कहाँ था? भारत का रॉकेट छोड़ने वाला केंद्र कहाँ है? 43 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ये है थुम्बा में। कहाँ पे है? थुम्बा में। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? 44 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है 1969 में जो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बांस क्या है? सभी लोग 45 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि बांस क्या है। तो बांस एक घास है। क्या है? घास है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कंप्यूटर का पिता। कल या परसों ये क्वेश्चन हुआ है, कंप्यूटर का पिता मैं बताया था। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कंप्यूटर का पिता होगा चार्ल्स बैबेज। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? अबेकस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबेकस का आविष्कार हुआ था बेबीलोन में। ठीक है, और सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गजराज किसका नाम है? 49 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। गजराज किसका नाम है? तो गजराज नाम है IL-76 का। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो वो जो अभिनय चर्चा है वो है शून्यकाल। क्या है? शून्यकाल। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और भी वीडियोज अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और ऐसे ही तैयारी आप लोग करते रहें, चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।